नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय लोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज डिक्शनरी में। उनपे डंडा थे और बंदूक थी, डंडा तो हम आदमी तो है नहीं, नीचे आदमी ऊपर थे, तो उन्होंने हम पे लड़कियों पर हम पे डंडा चलाए थे। मन के लोड़े चूरे चमारा ने अब नहीं रहने देंगे, यहाँ पे मारने की धमकी देते हैं। तो खूब हुई झड़प हुई थी दोनों में, उनमें भी इनमें भी। और हम काम पे चले जाते हैं, क्या पता कोई घटना हो जाए। तो वो कह लगा ना, तुम हो ही चूड़े चमार। बताइए आपके साथ क्या घटना हुई थी, वो कौन कौन लोग थे जो आपको जाति सूचक शब्द कह रहे थे? जाति में तो संदीप ही कह रहा था। क्या कह रहा था वो? उन्होंने कह रहा, मैं निकल के आई थी अपने नंद के यहाँ से। अच्छा। 9 बजे करीब, तो वो अंदर से निकला तो बोला, बहन के लोड़े चूरे चमारा ने अब नहीं रहने देंगे यहाँ पे। तो मैंने बोला, संदीप तुम ऐसा हमें देख के क्यों बोलते हो? तो वो कह लगा ना, तुम हो ही चूड़े चमार। क्या आपकी पहले इससे कोई विवाद हुआ था कि ऐसे ही वो जानबूझ के बोलने लगा? वो एक दफे बस खाट के पीछे हुई थी वहाँ पे, तो उसके बाद में जब तो बोला नहीं जाति के बारे में, तो उसके बाद दारू पी के वो कई बार बोला था। अच्छा, वो लोग मतलब आपके गली में दारू ये इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं? नहीं, गली में नहीं करते, अपने घर में ही करते हैं, उसमें अंदर। और बोलते गली से अपने मकान से बाहर होकर। अच्छा, मकान से बाहर। हाँ। और जिस दिन आपके ऊपर आपके परिवार पर हमला हुआ, कितने लोग थे और किस तरह उन्होंने हमला किया? वो जैसे मैंने वहाँ बोला तो मैंने घर पे आके बोला, ऐसे संदीप बोला जाति के बारे में। किसको बोला आपने घर पे आके? अपने घर वाले को। अच्छा। तो ये फिर घर वाले से बोला तो घर वाले बाहर बैठ के बातें करने लगे, तो संदीप बाहर था, तो वहाँ से वो हमारे दरवाजे पे आ गया, तो फिर भी वो जाति के बारे में बोलने लगा। तो खूब हुई झड़प हुई थी दोनों में, उनमें भी इनमें भी। यानी हाथापाई हुई? नहीं, हाथापाई हुई, मुँह भाषा ही हुई थी। अच्छा। तो वो चला गया, तो कह लगा ना, मैं 5 मिनट रुको भी आता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, जाने के बाद कितने देर बाद उधर से लोग आए? उधर से ऐसे आए थे 10-15 मिनट बाद, 20-25 आदमी थे। 20-25 आदमी थे। हाँ, उनपे बंदूक थी, डंडा थे। अच्छा। तो उनको देख के हम अंदर घुस गए, मैं कहा ये लौट के चले जाएंगे यहाँ से, तो वे गए नहीं लौट के, तो उन्होंने वहाँ दरवाजे में लात मारी। दरवाजे पे किसने आपके लात मारी? संदीप ने। संदीप ने। हाँ। और संदीप के अलावा और कौन कौन लोग थे? और एक अंकित था, एक डिम्पी था, और के नाम हम जानते नहीं थे। अच्छा, तकरीबन एक अंदाजा कितने लोग आए थे आपके घर पे हमला करने के लिए? अंदर तो हमारे 6-7 जने आए थे, बाहर थे और आदमी। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने हमला किया तो मतलब क्या क्या हथियार थे उनपे, कैसे चलाए आप? उनपे डंडा थे और बंदूक थी, डंडा तो हम आदमी तो है नहीं, नीचे आदमी ऊपर थे, तो उन्होंने हम पे लड़कियों पर हम पे डंडा चलाए थे। तो अच्छा। एक फायर बाहर छोड़ी थी, एक अंदर छोड़ी थी, तो वे ऊपर जा रहे थे, ऊपर हमने जाने नहीं दिया, तो वे फिर लौट के चले गए लौट। और इसके बाद आपने पुलिस को कोई सूचना दी इसके बारे में? हाँ, कॉल करी थी। तो पुलिस वाले, जो स्थानीय पुलिस वाले हैं, वो क्या बोल रहे? वे पुलिस वाले क्या हुए, उन्होंने कह रहे थे अभी देखते हैं, यहाँ ढूंढा उन्होंने बंदूक तो कोई है नहीं यहाँ पे। मैं कहा एक अंदर चलाइए, उन्होंने एक बाहर चलाई है, अच्छे तो बूझ के यहाँ से चले गए, फिर उसके घर पे गए थे। मेरा नाम आजाद कुमार है सर। और पीड़ित परिवार के आप क्या लगते हैं? मेरा छोटा भाई है। अच्छा। और मेरी साली है। और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो जो आपने केस करा हुआ है आरोपियों के खिलाफ, क्या ऐसा कोई डर है आपको जो सता रहा हो? डर सता रहा है सर, वे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। मारने की धमकी देते हैं और हम काम पे चले जाते हैं, क्या पता कोई घटना हो जाए। किस तरह की घटना? मारने की धमकी, गोली फोली मार दें, कोई पता है सर? तो इस चाहते हैं। और प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, कोई ऐसी बात ना होनी चाहिए, कोई घटना ना होनी चाहिए, तो यही चाहते हैं हम, हमारे बच्चे सब शांति रहें आराम से। तो मुख्य आरोपी मतलब आरोपी थे जो? हाँ। कौन कौन थे? संदीप, अंकित, डिम्पी। बस इतने ही थे कि? हाँ। और भी थे? और भी थे सर, औरों के तो नाम जानते नहीं हैं हम सर। लड़के तो बहुत थे, कम से कम 20-25 लोग थे, औरों के नाम 3 बंदों के नाम जानते हैं।